हेलो स्टूडेंट्स, मेरे लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखा, तो आज शुरू करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। जब आपको इंटीजर्स का डिवीजन करना है तो उसके भी कुछ रूल्स है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स है वो अगर आपको याद होंगे तो वैसे ही सिमिलर रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, कुछ थोड़ा एक आधा रूल एक्स्ट्रा रहेगा। तो फर्स्ट देखिए, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव अगर किया तो आंसर का जो साइन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ये फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव, इसका भी आंसर का साइन पॉजिटिव होगा। अब थर्ड रूल है, अगर इंटीजर पॉजिटिव है और उसको निगेटिव इंटीजर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर का साइन निगेटिव होगा। यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि अगर ऊपर का पॉजिटिव है और नीचे का निगेटिव है तो आंसर को जब साइन देंगे तो साइन आपको ऊपर ही देना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर को ही देना पड़ेगा। फोर्थ रूल इसका ये है, हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके? तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। सिक्स डिवाइडेड बाय टू, तो ये जो है कैसे लिखेंगे, सिक्स अपॉन टू। ओके? और सिक्स अपॉन टू का आंसर क्या आएगा, थ्री। तो इसमें दोनों का साइन यहां पर पॉजिटिव है इसलिए आंसर का भी साइन पॉजिटिव रहेगा। ओके? तो ये हम विदाउट साइन ही लिखते हैं। अब दोनों अगर निगेटिव होंगे, माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू, ये अगर है तो माइनस सिक्स अपॉन माइनस टू लिखेंगे, और जब ये दोनों ऊपर और नीचे सेम साइन होते हैं तो वो साइन कैंसल हो जाते हैं। ओके? तो ये कट हो गए दोनों साइन और आंसर का साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो ये थ्री आंसर आएगा। ओके? तो यहां पर निगेटिव और निगेटिव का जब डिवीजन किया तो आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। अब देखिए, माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय टू अगर किया, इसको साइन नहीं है माइनस, ये प्लस साइन वाला है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय टू, तो इसका आंसर आएगा, ये देखिए एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका आंसर माइनस थ्री आएगा। ओके? समझ में आ गया आपको? अब देखिए, सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू, तो सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू, तो ये जो साइन होता है ये हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, तो ये हम माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय टू ही लिखते हैं। ये साइन यहां दो ऊपर या यहां पर बीच में लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसका आंसर भी माइनस थ्री ही आता है। ओके? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। माइनस 96 डिवाइडेड बाय 16, तो यहां पर क्या है, एक का साइन निगेटिव है और एक का साइन पॉजिटिव है, तो डिविजन तो आपको जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हो वैसे ही करना है, सिर्फ आपको साइन क्या देना है ये डिसाइड करना है। तो एक का अगर निगेटिव है और एक का पॉजिटिव है तो आंसर का साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ओके? तो माइनस ही आएगा। अब 16 का टेबल बोल के देख सकते हो आप, 96 आने तक, तो 16 6 96। ओके? तो ये आंसर आएगा माइनस सिक्स। 98 डिवाइडेड बाय माइनस 28, अब इसको हम लिखेंगे 98 डिवाइडेड बाय माइनस 28, तो ये जो नीचे माइनस 28 लिखा है तो ये नीचे का साइन नीचे नहीं रहता है, वो ऊपर हो जाता है, माइनस 98 डिवाइडेड बाय 28। अब ये दोनों 28 के टेबल में तो 98 नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, 14 2 28, 14 दोनों जो नंबर है वो 14 के टेबल में आते हैं, तो हमने क्या किया, यहां पर दोनों को 14
14 से डिवाइड किया, ऊपर और नीचे सेम नंबर से हमने डिवीजन किया, तो 14 7 जा 28, तो साइन माइनस आता है और 14 2 जा 28, तो इसका आंसर आएगा माइनस 7 अपॉन 2। ओके, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, माइनस 51 डिवाइडेड बाय 68। तो अब ये देखना है हमको ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, तो उस नंबर से हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों नंबर 17 के टेबल में आते हैं। 17 थ्रीज आर, यहां पे माइनस साइन है इसलिए माइनस देंगे, और 17 फोर आर 68। ओके, तो इसका आंसर आ गया माइनस 3 अपॉन 4, माइनस 85 डिवाइडेड बाय 20। तो इसको भी फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे, इनको भी फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखेंगे 85 अपॉन 20। तो ये दोनों नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। ओके, तो 5 से डिविजिबल है इसलिए यहाँ पे ऊपर और नीचे हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आता है, 5 से अगर 85 को डिवाइड किया तो आंसर आता है 17, 5 से 20 को डिवाइड किया तो आंसर आता है 4, तो इसका आंसर आएगा माइनस 17 अपॉन 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस 150 डिवाइडेड बाय माइनस 25। अब यहां पर देखिए दोनों के साइन माइनस है, दोनों के साइन निगेटिव है, तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 150 अपॉन माइनस 25, राइट, ये दोनों साइंस कैंसिल हो गए और आंसर का साइन पॉजिटिव रहेगा, तो 25 के टेबल में 150 आता है, 25 सिक्स आर 150, तो ये प्लस 6 रहेगा, मतलब ये आंसर आएगा 6। ओके, 100 डिवाइडेड बाय 60, तो इसको भी हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 60, ये दोनों 20 के टेबल में आते हैं, सबसे बड़ा नंबर देखना पड़ेगा जिसके टेबल में ये आते हैं नंबर्स, तो ये 20 के टेबल में आते हैं, तो 20 से ऊपर और नीचे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 25 आ 100 और 23 आ 60, तो आंसर आएगा 5 अपॉन 3। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे जो ये दो तीन सम्स है वो आप होमवर्क में कीजिए, और आपको अगर कुछ डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24 अपॉन 5। तो फ्रैक्शनल फॉर्म 24 अपॉन 5 आना चाहिए, ऐसे डिविजन्स आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 24 अपॉन 5, इसका सेम वैल्यू वाले फ्रैक्शन अगर आपको लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट देखिए 2 और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसकी वैल्यू 24 अपॉन 5 ही रहेगी, तो 24 अपॉन 2 को हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 टू जा 48 और 5 टू जा 10, तो ये फ्रैक्शन जो है इसकी वैल्यू और 24 अपॉन 5 की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, आपको ये आपका एक हुआ, आपको ऐसे 3 डिवीजन लिखने हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 10, डिवीजन फॉर्म में अगर लिखा तो ऐसे लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखा तो ऐसे लिखेंगे। ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे, वही अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया या ऊपर और नीचे अलग साइन लेकर भी हमने मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 24 अपॉन 5 को हमने माइनस 3 और नीचे भी माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा,
24 थ्रीजा कितना, ये आ जाएगा -72 और नीचे आ जाएगा -15। तो -72 डिवाइडेड बाय -15, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -72 डिवाइडेड बाय -15, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब थर्ड देखिए, 24 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, अब आपको ऊपर और नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका साइन भी सेम ही चाहिए, तो हम यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 24 फाइव जा 120 अपॉन 5 फाइव जा 25, तो यहां पे आएगा 120 डिवाइडेड बाय 25, ये आपके तीन आंसर्स हुए। आप बुक के पीछे अगर आंसर देखोगे तो वो शायद दूसरे नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी सबकी वैल्यूज भी 24 अपॉन 5 ही आएगी, ये पूरे आंसर्स आपको बराबर ही दिए जाएंगे। ओके, ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हो, इसलिए बहुत सारे आंसर्स इसके पॉसिबल है। अब अगला क्वेश्चन है, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। तो यहां पर भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है, ऊपर और नीचे सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फर्स्ट आंसर हम लिखेंगे -5/7 इंटू, ऊपर और नीचे हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2, तो -5 × 2 अगर हमने किया तो क्या आ जाएगा, -10, और 7 × 2 किया तो 14, -10/14, तो इसका आंसर हम लिखेंगे -10/14, तो ये आपका आंसर है, ये फर्स्ट आंसर है, ऐसे आपको और दो लिखने हैं। सेकेंड, -5/7 × -3/-3, तो हम क्या करेंगे, अब नीचे और ऊपर दोनों को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा कितना आता है 15, राइट, और माइनस और माइनस दोनों है इसलिए यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस, राइट, और यहाँ पे क्या है 7 3 जा 21, तो यहाँ पे अपोजिट साइंस है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। ओके, तो ये आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 15 डिवाइडेड बाय -21। अब ये थर्ड देखिए, -5/7 × 4/4, 4 5 जा 20, तो ये 20 को क्या साइन आया, माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, और 7 4 जा 28, तो आंसर क्या हुआ आपका, -20 डिवाइडेड बाय 28। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे एक फिश पॉन्ड बताया है और हर फिश पर एक वैल्यू लिखी हुई है, और उनके दो दो के पेयर बना के आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, चार पेयर के मल्टीप्लिकेशन करना है और दूसरे चार पेयर के आपको डिवीजन करना है, तो ये आप होमवर्क में कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।